Hey guys, this is Dumpster and आज मैं आपको कॉल एडी मॉडल थ्री की स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एंड अगर आपको पुरानी एमडब्ल्यू ट्वेंटी और एमडब्ल्यू टू की वीडियो देखनी है आई बटन और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको ये पसंद आए प्लेट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और इसी के साथ लेट दिस वीडियो सो कॉड एम डब्ल्यू थ्री की स्टोरी एमडब्ल्यू टू के इवेंट्स के एक साल बाद की सेट है जहाँ एक नेशनलिस्ट ग्रुप नेम्ड कोनी इस ग्रुप के तीन सोल्जर्स एंड्रयू एंड्रेनोलन और इवान एलेक्सिव तीनों मिल रशियन प्रिजन गुलाब को इन्फिल्ट्रेट करते हैं एंड यहाँ वो पिजनर सिक्स टू सेवन को फ्री करते हैं जो कि असल में मैक्रोव है मैक्रोव को ये लोग यहाँ से निकालते अपने बेस लेके जाते हैं एज मैक्रोव कोनी ग्रुप का कमांडर था एंड मैक्रोव के फ्री होती वो अपने ही बंदे इवान को उसका पुराना ऑर्डर ना सुनने पर मार देता है एंड नोलन को कोनी का नया टीम लीडर घोषित करता है अब यही प्राइस अपने प्लान कवर्ट ऑपरेशन के लिए निकल रहा होता है की वही स्टेशन की लाजवेल रेडियो से उसे इन्फॉर्म करती है की मैक्रोव इज आउट और प्राइस ये सुन सबके साथ

मटेरियल ले जाते हैं एंड प्राइस भी ऑलमोस्ट मरते हुए है जिससे इन्हें पता चलता है कि मैक्रोव एक डेडली केमिकल वेपन सारीम को बनाने की तैयारी में है वेल फारा के मिसाइल्स वाले ट्रैकर का यूज कर वो कोल्ड वॉर के टाइम पे बने बंकर्स में है ये इन्फॉर्म करती है प्राइस और फारा दोनों वाली साइड पे रेड मारते हैं एंड सोप कोस्ट और गैस तीनों दूसरी साइड को इन्फिलीड्रेट करते हैं प्राइस ऑफ आरा यहाँ देखते कि मैक्रोव ने इन मिसाइल्स पे सारीम को लोड कर यहाँ उर्जिस्तान लिबरेशन फोर्सेस यानी यू की मार्किंग दे रखी है और बहुत जल्दी मिसाइल्स लॉन्च होने ही वाली थी कि प्राइस इस मिसाइल को इसी बंकर में बंद कर डिस्ट्रॉय कर देता है बट दूसरी तरफ गैस सोप और गोश्त काफी लेट होते हैं एंड उनकी यहाँ से दो मिसाइल्स लॉन्च होती है जो कि कस्तोविन, आर्कलो मिलिट्री बेस को हिट करने वाली थी एंड तीन घंटे पहले लाजवेल निकोला के साथ इस कस्तोविन बेस की तरफ निकलती है टू सिक्योर इंटल बाई यूरी एंड यूरी यहाँ पे फॉर्मर कोनी मेंबर था एंड यहाँ यूरी लाजवेल को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमे बारकोव के बनाए सारे केमिकल वेपन की जानकारी थी एंड प्राइस के रेडियो पे लाजवेल को इन्फॉर्म करते कि दो मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं लास्वेल वहां से निकोल के साथ स्केप करती है दूसरी तरफ मैक्रोव और उसके आदमी कस्तोवियन एयरलाइंस में फॉर्मर यूएलएफ फाइटर समारा को कैप्चर कर उसे वेस्ट बॉम्ब पहते हैं एंड ये प्लेन से निकल समारा बॉम्ब को डिफ्यूज करे उससे पहले ये बॉम्ब फट जाता है अब ये कंफर्म है कि मैक्रोविस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री बना वर्ल्ड को दिखाना चाहता है एंड आर्कलो बेस पे मिसाइल डिलीवरी से यूएलएफ का सिंबल मिलना और प्लेन में यूएलएफ फाइटर का बॉम्ब ब्लास्ट होना ये सब वर्जिस्तान के ऊपर एक वर्ल्ड वाइड टेंशन बना सकता है बट फार और एलेक्स

प्राइस स्टिल की हेल्प नहीं चाहता बट बाकी सबके चक्कर में उसे शब के लिए काम करना पड़ता है अब शब्बे इंटेल से टास्क फोर्स वन फोर वन को पता चलता है कि मैक्रोव के फाइनेंसर मेलेना रोमानोवा जो कि काफी सालों से मैक्रोव के लिए फाइनेंस का काम किया करती है वो एक प्राइवेट आइलैंड में है सुपर गोल्स दोनों इस आइलैंड को अकेले ही रेड कर मेलेना को कैप्चर करते हैं एंड उसके मनी को ले उसे थ्रेट करते हैं जिसे मेलेना मैक्रोव रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में है ये बताती है टास्क फोर्स वन फोर वन इस कॉम्प्लेक्स को इन्फिल्ट्रेट कर उन्हें मैक्रोव तो नहीं मिलता बट कोनी टीम का लीडर नोलन जरूर मिल जाता है जिसे कैप्चर कर वो अपने बेस लाते हैं नोलन मैक्रोव का पक्का दोस्त है इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलता बट मैक्रोव के टेक्स्ट मैसेजेस से उन्हें पता चलता है की मैक्रोव साइबेरिया में कोई कार को ट्रांसपोर्ट करा रहा है टास्क फोर्स वन फोर वन फारा के साथ मिल इस कॉन्वे के नीचे चार्जेस लगा इसे पानी में गिराते हैं बट यहाँ उन्हें मैक्रोव की जगह एक प्रिजनर मिलता है जो की असल में शेपर्ट था शेपर्ट को बता दे कि मैक्रोव सबको हंट कर रहा है एंड सबसे पहले उसने शेपर्ट को ही पकड़ा अब यहाँ प्राइस को ऑर्डर देता है कि अगर वो मैक्रोव की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा एंड अपने पुराने एक्शन को यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई करेगा देन वो उसे जिंदा जाने देगा एंड शेपर्ट इसे एक्सेप्ट करते उन्हें रिवील करते कि की मैक्रोव वरदान सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला है एंड वो सबसे पहले वहाँ बने कस्तोवियन डैम को डिस्ट्रॉय करेगा टू फ्लड द सिटी टीम स्प्लिटो फ्लडी दोनों डैम जा सारे बॉम्ब को डिसेबल करते हैं एंड दूसरी तरफ फारा एलेक्स प्राइस और गैस ये लोग यूएलएफ के साथ मिल उर्जिस्तान में बने कोनीयरबेस को रेड करेंगे किल मैक्रोव एंड यहाँ ग्रेवस अपनी चारो टीम के साथ मिल इन्हें एयर सपोर्ट देता है एंड ये लोग सारी केमिकल्स को डिस्ट्रॉय कर मैक्रोव के चौपर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं शपर्ट समझते की मैक्रोव मारा गया और वो इन्हें ऑर्डर दे वहाँ से निकलने को कहता है बट प्राइस और बाकी सबको मैक्रोव की बॉडी ना मिलने पे कन्फर्म था की अब भी, भी मैक्रोव जिंदा है उन्हें बस उसके नेक्स्ट मूव का वेट करना था शपर्ट और ग्रेव्स दोनों यूएस जा कांग्रेस के सामने अपने आप को टेस्टिफाई करते हैं बट कांग्रेस लीडर भी पूछने पे की क्या शपट ने ग्रेव्स को टास्क फोर्स वन फोर वन पे गोली चलाने के ऑर्डर दिए शेपर्ड इस बात को साफ डिनाई करता है एंडग्री से यही क्वेश्चन पूछने पे वो शेपर्ड ने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया ये बोल दोनों एक दूसरे को बिट्रे करते हैं जिसके बाद प्राइस और वन फोर वन सब लंडन जाते हैं ऐसे यहाँ वो किसी कोनी कॉन्टेक्ट का पीछा करते हैं जो की एक टनल में जा रही होती है प्राइस टी एफ वन फोर वन और एस एफ ओ लोग टनल में कोनी वायर को डाउन करते हैं और वहां रखी फ्लैश ड्राइव का यूज करते उन्हें इंटर मिलता है की कोनी ने टोर्जन हो वायरस का यूज कर यूकी ट्रेन नेटवर्क को हैक कर लिया है और यहाँ ट्रेन स्टेशन की फुटेज में माइक्रोव भी दिखता है जो की चैनल टनल को डिस्ट्रॉय कर काफी सीविलियंस की जान लेना चाहता था प्राइस सोप और एस एफ ओ इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर रहे होते हैं कि मैक्रोव यहाँ सोप को शूट करता है एंड इनके स्ट्रगल करते हैं मैक्रो सोप के हेड में शूट कर उसे मार देता है एंड प्राइस कुछ करे उससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है जिसके बाद गैज़ और गोस्ट वहाँ प्रेस के साथ मिल उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं Disarmed. Disarmed. all stations this is bravo in the blind threat neutralized bomb is safe one kia Now end mail last well is mission report this mission and dusitarof price गोस्ट और गैस सूप की एशेस को एक क्लिफ से बिखेर उसके साथ को याद करते हैं। के बाद प्राइस लाइस so की हेल्प पे खत्म हुई है एंड कैंपेन भी काफी छोटा था तो हो सकता है की आगे की स्टोरी एमडब्ल्यू फोर या फिर वॉर जोन में कैरी हो और अगर आपको ये नहीं पता की ग्रेव्स और एलैक्स ये सब कैसे जिंदा है तो मैं उसके लिए वॉर जोन की स्टोरी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमे मैं MW 2019, MW 2 और के को फिल करूंगा करूंगल्सो मैं लेटेस्ट साइलेंट वेक टू की स्टोरी पे भी काम कर रहा हूँ तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो ऑल्सो फ्यूचर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर ये वीडियो पसंद आई देन देर लाइक बटन टू तो अप्रिशिएट माई वर्क और इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप गेमिंग बाय सी की